नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। योनो एप्लीकेशन में जो है एम पिन डालने के बाद भी योनो एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका पासवर्ड जो है लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है। योनो एप्लीकेशन का अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो आप योनो एप्लीकेशन से जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका योनो एप्लीकेशन का आईडी और पासवर्ड जो है नहीं मालूम है तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को वॉच करके योनो एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि योनो एप्लीकेशन का जो है अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो कैसे चेंज करना है। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टाइप। चैनल पर नए आए तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। योनो एप्लीकेशन का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है सेम ही होता है। तो योनो एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग को अनइंस्टॉल कर लेना है। आप लोग को किसी भी एक ब्राउजर को जो है ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन कर देने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जो है SBI लिखना होगा। SBI लिखने के बाद ये फर्स्ट लिंक जो है दिख रहा होगा, इसी लिंक पर आप लोग को जो है क्लिक करना होगा। जब इस पर करने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। कंटिन्यू टू लॉगिन वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला यूजर नेम जो है आपको योनो एप्लीकेशन का जो है यूजर नेम जो है इंटर करना होगा। इसके बाद आप लोगों को पासवर्ड जो है इंटर करना होगा। जो अभी करेंट में आपका पासवर्ड है ओल्ड एक्सपायर हो गया है, उसी पासवर्ड को आप लोग को यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ ये जो कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को आप लोग को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। जब लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जो है सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप लोग को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप लोग को सबमिट वाला ऑप्शन पर नीचे की तरफ जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऊपर में जो है बताया जा रहा है कि आपका लॉगिन पासवर्ड जो है एक्सपायर हो चुका है, अब आपको चेंज करना होगा। इसके बाद आपको ऊपर में जो है पुराना जो पासवर्ड है ओल्ड लॉगिन पासवर्ड, वहाँ पर जो है ऊपर में इंटर करना होगा। इसके बाद आपको नीचे में जो है नया पासवर्ड जो है बनाना होगा। जो पासवर्ड अभी आप रखना चाहते हैं इसी पासवर्ड से जो है योनो एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग जो है आप फ्यूचर में जो है लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप लोग को इसी पासवर्ड को जो है दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप लोग को पासवर्ड जो है एक स्पेशल करेक्टर में बनाना है, एक नोमेरिकल में, एक अल्फाबेटिकल में। तो आप लोग को ये सब चीज़ चूज करके पासवर्ड जो है कम्बिनेशन के साथ आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है बना लिया है, यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भी जो है आ चुका है। इसके बाद अब हम योनो एप्लीकेशन को जो है गूगल प्ले स्टोर से जो है हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा योनो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग ओपन कीजिएगा। तो ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इंटरफेस जो है कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो इस पर आप लोग को पहले से देखिए अकाउंट जो है योनो एप्लीकेशन में जो है बना हुआ है। तो इसके बाद आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन जो है दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट अगर पहले से बना हुआ है तो आप लोग को इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाउ वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके मोबाइल में कौन सा सिम है, वो सिम जो है आपके मोबाइल में इंसर्ट होना चाहिए उसी नंबर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अलाउ वाला ऑप्शन पर आप लोग को जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद एक SMS जो है सेंड किया जाएगा। तब तक हम वेट कर लेते हैं। मैसेज वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हमें अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है फुली इंटर करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है हमें इंटर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लिक करना होगा नीचे की तरफ। जो भी इंटरनेट बैंकिंग से यूजर नेम जो आपको है वही यूजर नेम को आप लोग यहाँ पर इंटर कीजिएगा। जो आपने करेंट में भी पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को अभी आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, तो आप लोग को उस OTP को जो है यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर देखिए जो यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको सही से डालना होगा। अगर आप सही से नहीं डालिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है OTP नहीं आएगा। तो OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट की तरफ जो है नीचे की तरफ आप लोग को क्लिक करना होगा। OTP डालने के बाद आपके सामने पेज जो है इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग को MPIN जो है यहाँ पर बनाना होगा। MPIN से ही जो है आप लोग एप्लीकेशन को जो है फ्यूचर में जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर MPIN जो है 6 डिजिट का जो है आपको बनाना होगा। MPIN बनाने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जो है नीचे की तरफ आप लोग को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है योनो एप्लीकेशन जो है रेडी हो चुका है। अब कोई भी जो है एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट चल रहा होगा एक नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके जो है बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को फ्रेंड या रिलेटिव के पास आप जरूर जो है शेयर कर सकते हैं।